अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसको शॉर्टकट फॉर्म में हम MVT भी बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सबसे पहले हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इट मीन उसकी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम कैसे प्रूव किया जाता है। Suppose अगर आपके पास एक function है y is equal to f of x, student ये function दो चीजों को hold कर पाओ, ये function आपके पास continuous भी होना चाहिए, ये function आपके पास differentiable भी होना चाहिए, ये function student continuous आपके पास close interval ab के अंदर होना चाहिए और differentiable आपके पास open interval ab के अंदर होना चाहिए, right? It means suppose अगर आपके पास कोई function है y is equal to f of x, वो function आपके पास continuous होना चाहिए close interval ab और वही फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। फिर देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी एट व्हिच आपके पास ये डेफिनेशन होल्ड करती है, एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, राइट? स्टूडेंट ये डेफिनेशन जस्ट लाइक आपने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, ये आपके पास वो डेफिनेशन है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए से रिलेट करती है, राइट? डेरिवेटिव की डेफिनेशन है at some specific point x is equal to c पे, right? ये जो c है student, इसको हम इस तरह भी mention कर सकते हैं, ये जो c है, ये belong करेगा student open interval a and b से, right? ये जो c है, in open interval a and b में से एक कोई ना कोई point है, जिस point पे function defined होता है f prime of c is equal to, अगर उस point पे उस function का derivative लें तो वो इसके बराबर आता है f of b minus f of a divided by b minus a। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है, राइट? मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम एक न्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे अपनी मर्जी से, बट कंडीशन ये है कि वो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस स्टेटमेंट, राइट? उस फंक्शन की मदद से हम इस फंक्शन को, इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। सिमिलरली उसी प्रोसेस से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट? जगह कम है स्टूडेंट, ये मैं स्टेटमेंट आपके पास, ये जो गिवन है मैं रेज कर रहा हूं। इस फंक्शन के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वी डिफाइन अ न्यू फंक्शन for prove this theorem, we define a new function, और new function स्टूडेंट मैं उसको g of x कह देता हूं या उस function को आप phi of x भी कह सकते हैं। phi of x is equal to f of x plus a into x, इसको नाम देंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। इस फंक्शन की मदद से स्टूडेंट हमने मेन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करना है, जो हमने प्रीवियस स्टेटमेंट रिमूव की है वही चीज हमने दोबारा लेकर आनी है, राइट? वो कैसे लेकर आएंगे देखें। सिंस ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, सिंस फाई ऑफ एक्स इज continuous in open interval a and b, right? And number one, number two, phi of x is differentiable in in closed interval, in open interval a and b, then there exists c belongs to a b, then that the c belongs to a b, f prime of c is equal to 0.
राइट। अब स्टूडेंट ये जयपुर एम सी इक्वल जीरो है, ये बेसिकली बाय रूल थ्योरम है, बाय रूल थ्योरम ये हम डिस्कस करेंगे। बाय रूल थ्योरम एफ प्राइम ऑफ सी, रूल थ्योरम आपको क्या बताता है, सो इफ अगर एफ ऑफ ए सॉरी फाई ऑफ ए का आंसर बराबर हो जाता है फाई ऑफ बी के, देन एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। राइट, इट मीन स्टूडेंट अगर एंडिंग पॉइंट पे डेरिवेटिव, मतलब जो आपके पास पॉइंट ए है इंटरवल का उसके पहले पॉइंट पे और इंटरवल के दूसरे पॉइंट पे स्टूडेंट आंसर सेम आ जाता है, फाई ऑफ ए का आंसर भी वही है, फाई ऑफ बी का आंसर, दोनों का आंसर अगर सेम आ जाता है तो फिर अगर वो जो पॉइंट सी है उसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, जीरो। इट मीन फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो फिर कॉन्स्टेंट होगा जिसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। राइट, इट मीन फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, देन एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, यहां पे आप लिख सकते हैं बाय रूल थ्योरम, सेम वही कंडीशन बाय रूल थ्योरम। राइट, ये कंडीशन है स्टूडेंट, अगर दोनों पॉइंट पे फंक्शन का आंसर इक्वल आ जाता है तो उस पॉइंट सी पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। राइट, इस चीज को हम लेके चलेंगे, देखें फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है, यहां पे हमारे पास है फाई ऑफ एक्स, तो हमने यहां पे ए है तो एक्स के लिए क्या रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, पहले ए वो बन जाएगा फाई ऑफ ए, फिर एक्स के लिए आप पुट करेंगे बी, वो आपके पास बन जाएगा फाई ऑफ बी, फिर हम दोनों को इक्वल रखेंगे। राइट, इक्वल रखने के बाद स्टूडेंट हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, उसको नेम देंगे वन, फिर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उस डेरिवेटिव को लेने के बाद उस फंक्शन का एक्स की जगह सी को रिप्लेस करना है, फिर हम रिजल्ट पुट करेंगे कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो होता है। राइट, अगर एफ प्राइम ऑफ सी जीरो होता है फंक्शन एफ में हो, अगर आपके पास फाई है तो फिर हमारे पास क्या होगा, फाई प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। राइट, अगर फंक्शन f में होता तो फिर f prime of c is equal to 0 होता, अगर फंक्शन आपके पास 5 में है तो उसका derivative 5 prime of c is equal to 0 होगा। राइट, इट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट प्रूफ, पुट x is equal to a इन इक्वेशन 1 के अंदर x के लिए a पुट करें, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए ऑफ ए, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया, फिर पुट करेंगे स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन वन, फिर बी पुट करेंगे, ये स्टूडेंट इंटरवल आपको गिवन होगा, ए एंड बी कोई ना कोई वैल्यू आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगी, एक इंटरवल गिवन होगा जिसमें पहली वैल्यू ए होगी और दूसरी वैल्यू बी होगी। राइट, अब हमने a पुट किया फिर b पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, phi of b is equal to f of b plus a of b, equation number student 2। right, according to by using rule theorem phi of a is equal to phi of b। right, अब स्टूडेंट देखें ये चीज समझ आ गई, मैं इसको रेज करने लगा हूं, इट मींस दैट हमने जो फंक्शन लिया वो भी सेम वो ही था जो एफ ऑफ एक्स था, मैं इसको स्टार्ट से कर देता हूं, फंक्शन आपके पास क्या था स्टूडेंट, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ एक्स। राइट, इसको हमने नाम दिया था स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 का, तो स्टूडेंट हमने इसमें पुट किया एक्स इज इक्वल टू ए, क्या बन गया स्टूडेंट, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए ऑफ ए, इक्वेशन नंबर ए, फिर हमने पुट किया स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1। राइट, तो क्या बन गया स्टूडेंट, फाई ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए ऑफ बी, ये इक्वेशन नंबर बन गए बी। नेक्स्ट स्टूडेंट बाय रूल थ्योरम कंडीशन होती है हमारे पास फाई ऑफ ए
fy of b। फाइव ऑफ एक आंसर स्टूडेंट क्या था? जी है, मतलब f of a plus a of a बराबर होगा f of b plus a of b। इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी f वाले फंक्शन को स्टूडेंट एक साइड पे कर ले, राइट? जितने भी x वाले फंक्शन है स्टूडेंट उन तमाम फंक्शंस को f वाले फंक्शन पे एक साइड पे कर ले और विदाउट x वाले फंक्शन को आप एक साइड पे कर ले, तो आपके पास क्या होगा? देखें ये चीज उधर ले जाए और ये चीज इधर ले जाए, यहाँ क्या बचेगा? f of a minus a of a minus a of b is equal to student f of b, positive f of a उधर जाके minus f of a बन जाएगा, right? It means यहाँ से अगर मैं minus a common ले लूँ, अगर क्या बचेगा student b minus a, क्योंकि minus common लेंगे तो ये positive बन जाएगा और ये negative, positive तो negative बन जाएगा, is equal to f of b minus f of a, right? अगर स्टूडेंट यहां से मैं minus a की वैल्यू निकालना चाहूं, right? minus a की वैल्यू निकालना चाहूं तो स्टूडेंट क्या होगा? f of b minus f of a upon b minus a, इसको नाम देंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर b का, right? अब स्टूडेंट हमने a f of a भी पुट कर दिया है, f of b भी, अब हमने फंक्शन का क्या लेना है? डेरिवेटिव, जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था a भी पुट कर लिया b भी पुट कर लिया, राइट? जो भी आंसर आएगा हमने वो निकाल लिया, अब हमने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मतलब phi of x का, ये जो सिंबल x को phi बोलते हैं, phi of x का डेरिवेटिव लेना है। phi of x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे स्टूडेंट? अगर आपके पास phi of x is equal to है f of x plus a of x, right? Differentiate with respect to x, right students? Differentiate with respect to x. Yes, क्या बन जाएगा students? phi prime of x is equal to f prime of x plus a x के x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। अब स्टूडेंट आंसर क्या बचा? phi of x, right? phi of x, ये भी एम्बिशन, phi prime of x is equal to f prime of x plus a। अब स्टूडेंट सिंस बाय रो थ्योरम हमने कहा था ये जो phi prime of x होगा वो क्या होगा? is equal to 0, right students? अब स्टूडेंट इसकी जगह 0 पुट करते हैं, 0 is equal to f of x plus a, minus a किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट? f prime of x, right? replacing x by c, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट आप पुट कर दें, मतलब इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर सी, कंपेयर बी एंड सी, ये भी माइनस ए है और ये भी स्टूडेंट माइनस ए है, इन दोनों को कंपेयर कर लें। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट होगा, मीन वैल्यू थ्योरम का। कंपेयरिंग बी एंड सी वी गेट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, राइट? ये आपके पास रिजल्ट है स्टूडेंट, इन दोनों को कंपेयर किया, माइनस ए किसके बराबर है? एफ प्राइम ऑफ सी, इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं, मतलब माइनस ए किसके बराबर है? एफ प्राइम ऑफ सी, वही आपके पास आंसर आ गया f of b minus f of a divided by b minus a, right? स्टूडेंट अब ये है कि हम इसको इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, राइट? आइए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे सॉल्व करना है या मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन के ऊपर वैलिड होता है या
नहीं होता, राइट। चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ सी द सैटिस्फाइड इक्वेशन बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से। फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इंटरवल स्टूडेंट आपको गिवन है 0 एंड राइट। सॉल्यूशन पहले स्टूडेंट इसमें क्या पुट करेंगे, ए, ये वैल्यू ए की है, दूसरी बी की है। पुट एक्स इज इक्वल टू ए, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, वेयर ए इज इक्वल टू 0, 0 पुट करें, 0 का स्केयर प्लस 2 इनटू 0 प्लस 1, तो f ऑफ 0 का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, 1, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट पुट b, पुट x इज इक्वल टू b, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें b पुट करना है, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, f ऑफ b इज इक्वल टू b स्केयर प्लस 2b प्लस 1। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, वेयर b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 पुट करें, 1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 2 इनटू 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट f ऑफ 1 इज इक्वल टू, इट मीन f ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये f ऑफ a हो गया। f ऑफ b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 1 का स्केयर 1 2 प्लस 1, ये आपके पास आ गया 4, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, f प्राइम ऑफ c डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f प्राइम ऑफ x बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 2x प्लस 2। आपने स्टूडेंट इसकी जगह क्या रिप्लेस करना है, c, रिप्लेसिंग f प्राइम ऑफ c इज इक्वल रिप्लेसिंग x by c, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, f prime of c is equal to 2c plus 2, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने पुट कर दिया c, right? अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, f prime of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a, ये हमारे पास फॉर्मूला था मीन वैल्यू थ्योरम का। तो स्टूडेंट f prime of c, right? f prime of c क्या स्टूडेंट्स, टू सी प्लस टू, एफ ऑफ बी की वैल्यू करेंगे स्टूडेंट 4, एफ ऑफ ए 0, 1 माइनस 0, टू सी प्लस टू 4, एफ ऑफ ए 0, बी की वैल्यू क्या, तीन इंटरवल में 1, ए की वैल्यू 0, द आंसर इज क्या बन जाएगा स्टूडेंट, बी माइनस 0, द आंसर इज 1, 4 और 1 4, तो इट मीन 2c इज इक्वल टू 4 माइनस 4, 2c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड एंड c इज इक्वल टू 1, MVT इज वैलिड एंड c इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट हमें c की जस्ट वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना, हर क्वेश्चन के अंदर हमें c की वैल्यू निकालनी है, ये एक स्टेप मैंने जो की है, आई होप शेयर इन इसकी मतलब थोड़ी डार्क हो गई है, अगर नजर नहीं आएगा तो इसको आप, मैं रिपीट कर देता हूँ, फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर x की जगह a पुट किया, जहां जहां x था जो इक्वेशन बनेगी, इंटरवल था 0 और 1, 0 पहली वैल्यू a की थी, दूसरी b की, तो उस a की जगह 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू आ गई 1, राइट, f ऑफ a इज इक्वल टू 1, सॉरी, तो स्टूडेंट ये आपके पास आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 माइनस 1 1, तो c इज इक्वल टू 1 बाय 2, यस, c इज इक्वल टू 1 बाय 2, राइट स्टूडेंट। फिर हमने फंक्शन के अंदर b पुट किया,
बी पुट करने के बाद जो भी फंक्शन बनेगा एक्स की जगह बी पुट कर देंगे, जो भी फंक्शन बनेगा बी की वैल्यू क्या थी 1, 1 पुट कर दिया उसको सॉल्व किया तो एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह अगर स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन का उसका डेरिवेटिव लिया एक्स के लिहाज से 2x + 2 एफ ऑफ एक्स था तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बन गया, फिर एक्स की जगह सी रिप्लेस कर दिया जैसे हमारे पास क्वेश्चन में प्रूव किया था एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू सी प्लस टू हो गया। फिर फार्मूला यूज किया एफ प्राइम ऑफ सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और राइट साइड पर जो वैल्यू थी वो हमने वैल्यू पुट कर दी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी और ए और बी की वैल्यू टर्म में गिवन है वो पुट की सॉल्व किया तो सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 राइट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मेन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड था, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से ही होने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये मेन वैल्यू थ्योरम कैसे प्रूव होता है ये भी आपको समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा स्टेप जो आपको समझ नहीं आता तो हमें वीडियो के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।